क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जदयू कार्यालय में 72वां जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में रवि सिंह चौहान, उदय सिंह, संजय यादव आदि लोग मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर सीएम को ढेर सारी बधाई दी, साथ ही उनके सुखी जीवन की कामना की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गरीब वंचित सहित सभी समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है। जन्मदिवस आज हम सभी कार्यकर्ता भाई लोग नगर कार्यालय बाढ़ में आज धूमधाम से मना रहे हैं और उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ रहें इसकी कामना करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने बिहार को लगातार अपनी योग्यता से, अपने कर्मठता से और अपने ईमानदारी से जिस प्रकार बिहार का आज विकास, चौमुखी विकास उन्होंने किया, उसी प्रकार से यह देश अब देख रहा है। आशा भरी नजर से इनकी तरफ अब देख रहा है। तो हम सभी कार्यकर्ता यह संकल्प लिए हैं कि उनको देश के प्रधानमंत्री के गद्दी तक उनको पहुंचाना है। हमारे बिहार राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का 72वां जन्मदिवस है और इस पे हम लोग जदयू कार्यालय में बाढ़ इस दिवस को विकास दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और केक भी कटिंग करके मनाए हैं। और हम एक जदयू उपाध्यक्ष के नाते उनको 72वें जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। बजट सत्र के तीसरे दिन पर बीजेपी ने सदन में जमकर हंगामा किया। महबूब आलम के बयान का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि जिन्ना की औलाद महमूद आलम कहां गया। साथ ही उन्होंने कहा महबूब आलम पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की। वहीं सदन के बाहर मौजूद महबूब आलम ने बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बयान पर पलटवार करते हुए फिर कहा कि वो लोग गोडसे और सवाकर की औलाद हैं। सावरकर की बात की, मैंने कहा कि सावरकर ने माफ़ी मांगी, सावरकर वीर नहीं है। मैंने कहा कि सावरकर ने जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सैकड़ों नौजवान शहीद हो रहे थे, फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे, तब सावरकर चिट्ठी के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को अपनी वफादारी का सबूत दे रहे थे, अहद ले रहे थे, संकल्प ले रहे थे। तो ऐसी हालत में सावरकर देश के वफादार नहीं है, वो गद्दार थे। और आप सावरकर की औलाद है, आप गॉडसे की औलाद है, गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, ये सच है। तो आप गॉडसे सावरकर का हवाला तो देते हैं, उसको अपना, उसका आप अपने को वारिस मानते हैं। हम तो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, अशफाक उल्ला खान को अपना आदर्श मानते हैं, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को अपना मानते हैं। आपको ये तो, ये सारी बातें जो है, इसलिए हम तो अपना स्पष्ट क्लियर करते हैं, इसलिए हम तो शहादत की औलाद है। आप किसकी औलाद आप तय कीजिए। आपको औरंगजेब का जिन्ना का, औरंगजेब का मैंने अपने विचारधारा में कहीं नाम लिया है, हवाला तो देते हैं उसको अपना। बिहार विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी हंगामे का आसार जारी रहा। बता दें कि माले के विधायक महबूब आलम ने बीजेपी पर हमला
करते हुए कहा था कि ये लोग गोडसे और सावरकर की औलाद हैं। वहीं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा ये लोग देशद्रोही हैं और बाबर की औलाद हैं, इनको देश से बाहर की जाना चाहिए। अगर हमें कोई गाली देगा तो हम भी उसको गाली देंगे, यह हमारे संविधान है। बिहार के लोगों के साथ तमिलनाडु में मारपीट की घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि भय के चलते मजदूर कारखाने में काम करने नहीं जा रहे हैं और अपने राज्य बिहार लौटना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मामले को देखते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वीडियो में गलत जानकारी दी गई है, इसे लेकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मोतिहारी में विरासत बचाओ यात्रा पर निकले राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा मोतिहारी पहुंचे, जहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ राजद के लोग गलत व्यवहार करते हैं, जिसे बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार की धरती से हुए हैं, हम उनका चरण स्पर्श करेंगे उन जगहों पर जाकर, और साथ ही लोगों से भी बात करेंगे कि क्या राजनीतिक परिस्थिति बिहार में बनी, जिस के परिणाम स्वरूप हम सब लोगों ने पार्टी का गठन किया है। उसी क्रम में विरासत बचाओ नमन यात्रा का आज दूसरा दिन है, पूरे बिहार की यात्रा है अलग अलग दिन में। नालंदा में राजगीर थाना परिसर में सूजन संस्थान के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुस्ताक अहमद के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कलाकारों के द्वारा कई देशभक्ति के गीत गाए गए, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने कलाकारों को सम्मानित भी किया, साथ ही उन्होंने सभी कलाकारों की सराहना भी की। भागलपुर में दलित परिवार के घरों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। 50 सालों से रह रहे परिवार के घर पर सरकारी फरमान मिलते ही बुलडोजर चलाया गया है। परिवार वालों का कहना है कि कहलगांव के सीईओ के द्वारा उसने पैसे मांगे गए और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो घर तोड़ दिया गया। बता दें कि इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार सरकार ने जो आदेश दिया है उस आधार से मेरा घर नहीं टूट रहा है औरों का भी नहीं टूट रहा है। नोटिस में दिया गया है कि मतलब 2 एकड़ 40 डिसमिल में, तो उसमें बिहार सरकार ने इतना नहीं तोड़ रहे हैं। क्यों सर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहे हैं? मतलब आपके साथ कोई व्यक्तिगत उसमें नहीं होगा, ये जो करने का मतलब है? मुझे इतना नहीं मालूम। पहले कितना नोटिस आपको मिला है? 2 नोटिस ही मिला। जी, यहाँ प्रशासन लोग, कर्मचारी आपका, ये लोग आके ये लोग यहाँ तोड़फोड़ किए, तो फोड़ने के बाद में देखिए हम गाना जुगा रखे हुए थे, पैसा कौड़ी भी था बेटी के नाम से, हम सोचे कि किसी तरह हम पढ़ा लिखा लें बच्चा को, ताकि इसे आके देखिए लोग आके। कौन तोड़ा है इसको? आपका कर्मचारी हुआ, सीओ हुआ। कब से रह रहे हैं यहाँ आप? हम तो रहने यहाँ बाप दादा, हम लोग का यहाँ निम गया। बाप दादा निम गया 50 साल से रह रहे हैं? ज्यादा सर, उससे ज्यादा। तो तोड़ फोड़ जबरदस्ती कर दिया? जबरदस्ती लोग किए हैं। अब कुछ ले गया सामान? हाँ, सामान था ना इसमें। क्या ले? तो पैसा था, फिर आपका गहना जेवर भी था। अच्छा, सब ले चला गया? टोटल लेके ही लोग चल गए। खबर भागलपुर से है, जहां स्टेशन में खुलेआम दुकान लगाकर अवैध उगाही करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मामला कहलगांव रेलवे आरपीएफ इंस्पेक्टर अमीर औरंगजेब का है, जिस पर खुलेआम कोयला चोरी करवा के रेलवे स्टेशन पर दुकान लगाकर असामाजिक तत्वों से पैसे उगाही करने का आरोप लगा है। जानकारी के बाद पुलिस शिकायत विभाग केंद्रीय रेलवे महाप्रबंधक पूर्व रेलवे को लिखित में आवेदन देकर के आरपीएफ इंस्पेक्टर मीर औरंगजेब पर कार्रवाई करने की मांग की है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज यादव, गांधी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको बताना चाहता हूं कि
कहलगांव आरपीएफ इंस्पेक्टर मीर औरंगजेब जो कि एक भ्रष्ट पदाधिकारी है जो सिर्फ और सिर्फ तानाशाह के तरह कार्य करते हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र है दक्षिण में कहलगांव से कर्मटोला और उत्तर में कहलगांव से सबौर है और आप देख पा रहे होंगे, देखते होंगे आए दिन हर रोज स्टेशन परिसर में दुकान लगाकर अवैध वसूली कराते हैं करते हैं, साथ ही जिसकी वजह से लोगों को आम यात्रियों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां होती है, कठिनाइयां होती है। और मैं मुख्य चीज़ बताना चाहता हूं इस दुकान की वजह से क्या होता है, उस दुकान के आड़ में बैठकर लोग आपराधिक योजना बनाते हैं। वहीं मैं रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। मधुबनी में आर्मी जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक आर्मी जवान सड़क किनारे मोबाइल से बात कर रहा था कि पीछे से गुजर रही पुलिस ने उसे देखा और उस पर लाठियां बरसाने लगी। उस घटना की पुष्टि करते हुए SDPO आशीष रंजन ने कहा कि इस तरह की वारदात थाना प्रभारी के द्वारा की गई, जो जांच का विषय है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम जब पापा के पास दुकान पे से खाना देने के लिए गए थे, खाना दे के यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे बैठे हुए थे इस जगह पे, थाना का गाड़ी यहाँ पे आया, बोला क्या कर रहे हैं, हम बोले बात कर रहे हैं ना, मैं बोला जाने के लिए, हम बोले जा रहे हैं, तब तक आ गया, पूरा लाठी चार्ज करने लगा यहाँ पे, पूरा यहाँ पे पूरा मारा है, पूरा ब्रेन के ऊपर। नहीं, ये वहाँ खड़े थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे, उधर से गाड़ी आया, उनको पूछा और लाठी चार्ज होने लगा। बस इतना ही बात, लाठी चार्ज करने लगा। हाँ, आते ही इनसे पूछा क्या ये बोले वो मालूम नहीं है, उसके बाद लाठी चार्ज होने लगा। कुछ दिन पहले एक आर्मी मैन के साथ SHO मधेपुर के द्वारा मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी। वो कल हमारे ऑफिस भी अप्लीकेशन लेकर के आए थे और कल मधेपुर थाना के जाने के क्रम में मैंने उन्हें मधेपुर थाना पर बुलाया भी, उनसे सारी विस्तृत जानकारी ली गई है कि क्या उनके साथ घटना घटी थी। उनके परिजन भी हमसे मिले और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन थानाध्यक्ष के बाहर रहने के कारण उनसे इस स्तर पर पूछताछ नहीं की जा सकी है। इसके अलावा कई अन्य पक्ष हैं जिनका बयान लिया जाना आवश्यक है और इस संदर्भ में सभी तथ्यों को जान करके जो भी निष्कर्ष आएगा वो उसके संदर्भ में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और ये पदाधिकारी उनसे अवगत कराए। नवादा में पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने 4,60,000 रुपए नगद, 13 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, लैपटॉप और एक फोन के सिम को भी बरामद किया है। यहां साइबर ठगी का आरोपी का पता तलाश हेतु आया था, जिसको हमने राम प्रवेश नामक व्यक्ति को साइबर ठगी के अपराध में गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं।
कितना कुछ सामान भी बरामद हुए हैं सर? हाँ, सामान बरामद हुआ है, पैसा है 4,59,700 रुपया का, और एक लैपटॉप है और एक टेब है और मोबाइल फोन और मोबाइल फोन वगैरह है। खबर सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां पड़ोस के घर से एक युवक का फंदे से लटका शव मिला है। मृतक के परिवार वालों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। 10 बजे 11 बजे रात का हमारा बच्चा का बोले फोन करके। कौन बुलाया? अफरोज बोले हमरा के कोई आदमी ने जानकारी, हमरा बच्चा के बोले सब दिना जाते आते रहे, चाचा पितियार रहे तो बल्ब तार ठीक उप करावे खातिर ले जात रहे, तो जात रहे सब दिन मान के चल लिए, चाचा पितिया है, बाप पितिया है, बेटा दाखिल है, कोनो काम लागू है बुलाबो। अच्छा, ये बात है, वो मेरा भाई है अपना, ठीक है, वो सबसे छोटा भाई है, ठीक है। दरअसल हम लोग सोए हुए थे, जब ये हादसा जब हो गया उसके बाद जो है तो गांव के भी 5-10 आदमी जो है तो हम लोगों के साथ आया, हम लोगों को बुलाया गया, तब हम लोग आए इस आंगन में, ठीक है। जब इस आंगन में जब आए अफरोज आलम के, अफरोज साहब के आंगन में, तो हम लोग सब साथ में एक साथ गए वहां पे, जब दरवाज़ा खोला गया तो उस समय में देखें कि वो लड़का जो है तो वो लटका हुआ था, रस्सी में बांधा हुआ था, हाथ भी। आलम फोन करके 2-3 बार उसको बुलाया, 2-3 बार। हम लोग इतना बड़ा थे ना, जब से हमारा दादा और बाप जितना है सब उसका सारा हुकूमत करते थे जितना था, इसीलिए हम लोग सब रोज से करते आ रहे हैं उसको, इसीलिए जो भी काम होता था छोटा मोटा फोन करके बुलाया था, बुला लेता था, हम लोग आ जाते थे। उसी तरीका से उसको भी फोन किया 2-3 बार। जिस समय फांसी लटका, क्या बजे फांसी लटकाया गया, कैसे पता है आपको? वो जो है ना 12 और 2 के बीच में फांसी लटकाया। आप लोग को जानकारी कब हुआ? हम लोग को इससे पहले एक बार जानकारी हो गया यहाँ, तो उसके बाद जो है देखे तो जब घर खोला तो उसमें जो है फांसी लगा के लड़का को मार दिया गया था, फांसी लटका के मार दिया। हाँ जी। कैसे आप कह सकते, यकीन से कह सकते, सो बताइए। इसका घर में था ना, इसी यकीन से कह रहे हैं। जिस समय फांसी लटकाया था किस अवस्था में था, कैसे था, सो बताइए आप। हाथ ऐसे बांधल था पीछे, पीछे में हाँ टांग बांधल था, गर्दन में रस्सी लटका के वहाँ कड़ी में बांधल था। तो फांसी मतलब इसमें कोई लटका के मारा गया? जी जी। नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मोटरसाइकिल से गया था बरियाती। कहाँ से? मुझे घर से बटवीघा से। ये कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पंचायत। फिर क्या हुआ? जी हुआ क्या? प्राइवेट में ऐसे मोटरसाइकिल से जो है चालक टेम्पो था, टेम्पो में ऐसे मार दिया। टेम्पो मार दिया कि टेम्पो वाला मार दिया? ना टेम्पो वाला ही मार दिया। कहाँ घटना हुआ था? चौरासी होता है गाँव था, एक सवार था। कितने लोग ये थे? 2 मोटरसाइकिल। नालंदा में बेहटा सरमेरा 2 लेन पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य जख्मी हो गया। परिजनों ने बताया कि युवक अपने दोस्त के साथ तमिलनाडु से घर लौट रहे एक दोस्त को लाने पटना जंक्शन जा रहा था, इसी बीच अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं उसका दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही मामले की जांच में जुट गई। ये जा रहे थे जखौर से, जा रहे थे पटना जी। अच्छा, किस काम से जा रहे थे? जा रहे थे अपना कोई दोस्त था, उसी दोस्त को लाने के लिए जा रहे थे, जैसे ट्रेन से उतरे थे तब उसको मतलब घर लाने के लिए
कोशिश कर रहे थे लाने के लिए, आ रहे थे। अच्छा, तो जाते वक्त घटना हुआ कि आते वक्त? जाते वक्त हो गया, जाते ही समय हो गया। अच्छा, आप लोग को कैसे सूचना मिली? अब सूचना मिली मेरा भाई का जो फ़ोन था, हाँ, वो उसी फ़ोन से मोबाइल से फ़ोन किया बंदा कि ऐसे ऐसे हो गया यहाँ यहाँ, तो हम सब तुरंत गाड़ी रिजर्व करके वहाँ पहुँचे। क्या चीज़ से आपके भाई जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे। कितने लोग थे? दो बंदे। अच्छा, तो एक एक का कैसा है हालत अभी? एक का हालत ठीक है, एक मेरा भाई था जो बड़ा वाला, उसका वो डेथ हो गया। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति